अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? होंगे सब ठीक ठाक होंगे, मजे होंगे। अच्छा भाई, आज की सुबह ये कुरान पाक से नमा है रिकॉर्ड। आज भैया चुचू भाई बैठे हुए हैं और इस वक्त बज रहे हैं 4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उठ के दोहर की नमाज़ पढ़ी है और अब मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। ये कुरान शरीफ वो है जो मेरे भाई ने मुझे दिया अम्मी के इंतकाल के बाद में, तो इसमें कुरान पाक इसमें से पारा पढ़ा कर रहा हूँ। मैं अम्मी के कुरान पाक में भी से पारा पढ़ती हूँ और इसमें भी पढ़ती हूँ। चलिए जी, अब हस्बैंड कह रहे हैं नाश्ता बना दो, नाश्ता बना के देंगे उनको। और आज एक प्रोग्राम है, एक जगह जाना है, तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ भी लेके चलूँगी। मैंने कहा चलो आज आप लोग लेकर स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को, और जो जो होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। नाम है मेरा रद्दान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा रद्दान, जिसके किस पर आप लोग अभी मौजूद हैं। यह मेरा घर साफ़ सुथरा माशाल्लाह से हो रहा है। 4 बज रहे हैं और मैंने सोचा आज से ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर दें। तो चलिए जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। वेलकम करते हैं आप लोगों को सबका न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। जी गाइस, मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। ये मेरे कुरान पाक रखने की जगह है, यहाँ पर मैं कुरान पाक रखती हूँ। माशाल्लाह से ये कुरान पाक है। जब मेरे जेठ उमरा करने गए थे वहाँ से लेकर आए थे, ये मेरे मियाँ हज करने गए थे वहाँ से लेकर आए थे, ये मेरी मम्मी का कुरान पाक है, ये मेरे जैद का कुरान पाक है। माशाल्लाह से मेरे पास 5 ये कुरान पाक है। इसके अलावा मेरे पास सिपारों वाला कुरान अलग है जो इधर रखा हुआ है, पंचूर वगैरह रखे हुए यहाँ पर। इसमें यहाँ सिपारों वाला कुरान पाक रखे हुए। चले जी, मैंने अब नाश्ता बनाना है। मुझे मैंने दूध वगैरह निकाल लिया, तो अब दाल भी निकाल ली है, दूध अंडा आटा वगैरह सब निकाल लिया है। अब नाश्ता, मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। खराब होती है पहले जी, मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते बनाते आप लोगों को पहले वीडियो भी दिखाते रहे, बनती रहेगी वीडियो। लेकिन ये जितनी जल्दी आपको दिख रहा है ना कि पराठा जल्दी बनाए थे जल्दी बनाए, तो अभी हम ये पराठा वगैरह बनाएंगे। ये चाय बन गई है, पूरा नाश्ता तैयार करती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे मुल्क की गैस इस वक्त भी गैस नहीं, अब सिलेंडर चलाना पड़ा है ताकि, तो गैस ही नहीं आ रही थी अभी। लेकिन पराठा भी सही से सीख नहीं पा रहा, अब ये सही से तवे को गर्म करेगी फिर ही पराठा बनेगा। ये है हमारे मुल्क का हाल, इसे वो बेल के रख लिया, अभी उसको बना के डालेंगे। नाश्ता रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। ये है दाल पराठे, चलिए खाऊंगी अंडा, तुम खुद के बराबर हो गया। चलिए इसे नाश्ता करते हैं फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी। तो गाइस, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था और अब हम जाके पास ये पंचूरा लेके, जो मेरी अम्मी के नाम पे हम लोगों ने लिखवाया हुआ है, और ये मैं वहाँ जाके माशाल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पूरा पढ़ती हूँ। अभी हूँ अबाया देखे, मैंने पहन लिया है, नाश्ता वगैरह कर लिया था, किचन भी साफ़ सुथरा भी, मुझे धोने हैं, शाम के बजने वाले 5, तो इसलिए मैं जाके जल्दी से ये पूरा पंचूरा मिलकर पढ़ के जहाँ जो जो होता रहेगा मैं आप लोग शेयर करती हूँ। ओके, एक बात और, मेरी अम्मी को आप लोग दुआ में ज़रूर ज़रूर इफरत की, उनकी बख्शिश की, उनके साले सफा के लिए पढ़ेगा, उनके लिए दुआ करिएगा, क्योंकि जहाँ की ज़रूरत होती है। आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि आज जो हम मैं जहाँ जा रहा मतलब अपनी अम्मी के बगैर जाऊँगी, मेरे सब बहन भाई होंगे लेकिन मेरी अम्मी नहीं होंगी, तो मुझे इस बात का, हमारी माँ हमारे साथ थी और हमारी माँ हमारे साथ नहीं होंगी। चलिए जी, मैं चलती हूँ फिर मैं आके आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, ये देखें आप, मैं आ गई हूँ कब्रिस्तान, सुकून है यहाँ पर, ये मेरी अम्मी की कब्र है। मैं अभी आप यहाँ से पढ़ के हम लोग जाते हैं घर, थोड़ी देर मेरी अम्मी के लिए मकफ़रत की दुआ करिएगा। गाइस, मैं गई भी थी अभी, यही तो देख, ये मेरे इंतजार में यहाँ बैठा था और घर में कोने में गेट, घर का कितनी भी नहीं है, कैसे खोलूं? चलो, दीवाने हो रही हैं। ये किस किस के घर होता है ये वाला? नमाज पढ़े, ये रखें पंचूरा। चले जी, तैयार शैर होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ जी, ब्लॉग, क्योंकि मेरा ब्लॉग बन रहा था और बीच में काफ़ी देर का गैप आ गया, तो भाई मैंने कपड़े निकाल लिए थे। ये हया का ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है, और ये हया के मैं अंदर पहनाऊंगी हाई नेक और टाइट, क्योंकि ये ड्रेस हल्का है,
ये देखें ये इस तरह का ड्रेस है और ये मैंने प्रेस कर दी, मैंने कहा ये हयाबाद जी के लिए प्रेस कर दिया है। ये देखें कितना खूबसूरत है पीछे से भी। तो एक्चुअली जहाँ जाना है ना, तो उसके लिए मैं कपड़े सी कर रही हूँ, और जी कपड़े सी कर रही हूँ। मैं सफ़ाई की कुर्ती है, जीन्स ली है, इसके साथ जैकेट वगैरह पहनूंगी। तो जब फुल लुक हो जाएगा तो फिर मैं आपके, हम लोगों ने कैसी ड्रेसिंग की है, हुरिया कपड़े सी करके उसको दे दिए, अदनान तो पैंट शर्ट में जाता है, और अजहान भी अगर वो अपनी हुडी और पैंट में जाएगा। तो चले फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ तैयार शहर होकर। ओके जी, तो गाइस जाने से पहले कपड़े वगैरह सी करके मैं वॉक भी कर लें, ये भी ज़रूरी है, फिर जाके मज़े से खाना खाएंगे। तो मैंने अभी डाइटिंग नहीं शुरू की, आज मेरा वॉक का आई थिंक चौथा दिन है, पांचवा दिन है शायद, हाँ मंगल बुध जुमरा जुम्मा पांचवा चौथा दिन है, नहीं मैंने पीर से शुरू, पांचवा दिन है। और चलिए जी चलते हैं, फिर मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। हो सो गाइस, ये मैं हो गई हूँ रेडी, सफाई की कुर्ती पहनी है जी, उसकी बन पहनी है, ये स्कार्फ लिया है, और ये पूरी लुक है मेरी, मेरे शूज का लुक है। चले जी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाता ना तैयार वैयार होकर दिखाऊंगी। चलिए वीडियो में आ गई, चल जी गाइस मैं हो गई थी पूरी रेडी वेडी, तो जहाँ मैं जाना है फिर आप लोग मेरे साथ रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चले जी, ओके जी, लेट्स गो। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, डिनर डेस्टिनेशन, जहाँ एज यूजुअल तमाम चीज़। लेकिन आज हम पहली दफ़ा अपनी अम्मी, मतलब ऐसा हुआ है कि हम सब फिर आए हैं। कपड़े दिखाओ अपने, ठीक है, ये पहनाया है, हटाओ नाया, हाय नाया, रशद भाई भी है, अगर यूँ आ जाएगा मेरा अम्मी भी। क्या खा रहे हो? बच्चों को ले, हम लोग हमेशा यहाँ आते थे, अम्मी भी साथ होती है, कि अम्मी हमारे साथ नहीं है, हम सिबलिंग्स आए हैं लेकिन अम्मी नहीं है। देखिए मैं अबू का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ, अबू अम्मी अबू को ले, जिंदगी है आगे बढ़ना है। हमेशा यहीं आते हैं, ज़्यादातर यहीं आते हैं, क्योंकि इसका खाना बहुत मज़े का होता है। देखते हैं कहाँ सीटेंगे, जाके देखिए क्या ऑर्डर करेंगे। फाइनली गाइस हमें टेबल मिल गई है यहाँ पर, देखिए रेशमी करनी है, मखनी करनी है, मखनी मखनी हाँ मखनी लगाया है, और ये है इधर रखते हैं किधर, पूरी पराठा ला दो जल्दी, बाकी वहाँ पे रखा। ये जी अब हम लोगों ने खा लिया खाना, ये देखें ये फिनिश हो गया, वहाँ तक सारा फिनिश हो गया। हया इधर दे दो कोल्ड ड्रिंक मेरी। तो गाइस हम यहाँ से जाने के लिए निकल गए, सारे निकल गए हैं, मैं जल्दी 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 चलती हुई जा रही हूँ, ये लोग सब चले गए। और ये यहाँ का एंबियंस है जो है, ये यहाँ का प्ले लैंड है बच्चों का, चले हैं घर, फिर घर जाके मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं घर, वहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं वापसी का सफ़र, बस मैं यहाँ से वहाँ से अब अम्मी के घर गई अपनी, अम्मी घर अभी, उसके बाद हम निकल गए हैं घर के लिए, गाड़ी में उन्होंने मुझे दे दी, वो खुद कहीं काम से चले गए हैं, मैं जा रही हूँ गाड़ी लेके अब घर। आई होप लगा होगा ऐसा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर ढेर सारा ख्याल। ओके जी।